हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिस्ट विद नीतू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ब्लाउज कलेक्शन। साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई आपके पुराने ब्लाउज हो, उनको आप नया लुक किस तरीके से दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों काम एक साथ। तो अगर मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ, हाँ, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक आइकन आएगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुंचें सबसे पहले। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अगर मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ये वाला ब्लाउज, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड बैक साइड में जो है इसके यू शेप का जो है नेक पीछे बना हुआ है, साथ में यहाँ पर मैंने डोरी ना लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से जो है वो स्ट्रिप टाइप से जो है लगा दी है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप चाहें तो इसमें जो लटकन टाइप से कुछ होते हैं वो लगा सकते हैं यहाँ पर, बट मुझे थोड़ा सिंपल पसंद था तो मैंने इस तरीके से बनाया। अगर आपके पास कोई आपका कोई पुराना ब्लाउज है जिससे आप बोर हो चुके हैं, वो स्लीवलेस है, तो आप क्या है साइड में ना इस तरीके से जो है वो फ्रिल लगा सकते हैं। बहुत ही इजी है ये फ्रिल लगाना। मेरे पास ये प्रिंटेड ब्लाउज होता और इसका यहाँ से ये मैचिंग तो डेफिनेटली नहीं होता, तो मार्केट से जो है मैं इसी सेम कलर का नेट लाती, ग्रीन कलर का, और फिर मैं यहाँ पे लगाती तो उसमें जो लुक है ना वो अच्छा आता है। तो आप भी जो है पुराने ब्लाउज को जो है इस तरीके से यहाँ पर फ्रिल लगा के एक नया लुक दे सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई यहाँ तक स्लीव है और उसमें आप केवल उतने में जो है यहाँ पर फ्रिल लगा लें, तो भी जो है आपके ब्लाउज को एक न्यू लुक है वो मिलता है। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और ये जो ब्लाउज है वो पैडेड ब्लाउज है, तो इसी वजह से जो है पीछे इतना डीप नेक होने पर भी जो है आप इसे ईजिली पहन सकते हैं, कुछ भी यहाँ वहाँ दिखने का कोई टेंशन नहीं है। नहीं, गोल्डन में प्रिंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द अगर आपकी कोई भी साड़ी है उसमें गोल्डन वर्क है, तो आप जो है ना वो इस तरीके का जो ब्लाउज है ना वो पहन सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके साथ। सेकंड मेरा जो ब्लाउज है वो ये है, एंड ये वाला ब्लाउज कुछ इस तरीके का है। एंड अभी आपने मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग देखा होगा, उसमें मेरे भाई ने जो मुझे साड़ी दी थी उसका जो है ये ब्लाउज़ है, और इसको जो है मैंने फुल स्लीव मतलब 3/4 स्लीव में बनवाया है, और यहाँ पर जो है पूरा इसमें जो है पूरा वर्क दिया हुआ है, तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा जो है वो लुक आता है। तो इस टाइप का जो है वो ब्लाउज़ सिंपल है और एट द सेम टाइम बहुत ही क्लासी लगता है। एंड अगर हम बैक साइड में दिखाएं, तो बैक साइड में जो है इसमें स्क्वायर नेक दिया हुआ है, और पीछे साइड में जो है यहाँ पर हुक दिए हैं, और ये ब्लाउज जो है वो भी पैडेड ब्लाउज है। बिकॉज अगर आपके पास आपको डीप नेक पहनने का शौक है, जिस तरीके से मुझे है, मुझे डीप नेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपको डीप नेक पहनने का शौक है तो अगर आप उसे पैडेड ब्लाउज बनवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से पेयर हो जाता है किसी भी साड़ी के साथ। ब्लाउज जो है वो मेरा ये वाला ब्लाउज है। तो ब्लाउज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो बैक साइड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका बैक साइड। हाँ, यहाँ भी देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरे ब्लाउज में डोरी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोटे हो जाओ या पतले हो जाओ, इस ब्लाउज़ को ना ना टाइट करने का टेंशन ना लूज़ करने का टेंशन, बिकॉज इसमें डोरियाँ दे रखी हैं पीछे, तो अगर आप मोटे हो गए तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना लूज़ या टाइट कर सकते हैं, या पतले हो गए तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं और पहनने में भी। एंड यहाँ पर जो है नेट की जो है वो स्लीव है, बेल स्लीव टाइप से जो है वो दे रखी है, जो पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी एक साड़ी का ब्लाउज है। नेक्स्ट ब्लाउज जो है वो अभी आपने रिसेंटली मैंने करवा चौथ में पहना था मेरी सिल्क की साड़ी के साथ, एंड वो ये वाला ब्लाउज है। एंड काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि आपका ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए। तो यस, दिस इज़ माय नेक्स्ट ब्लाउज, और इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं है, बस जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं, पर जो है पूरा ज़िगज़ैग का जो है गोटा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा फैशन में है, जो है ये इस तरीके से
जो गोटा है वो लगवाया है एंड स्लीव तो ऐसी हैं। बैक साइड में अगर हम बात करें तो बैक साइड में यू जो है वो नेक दिया हुआ है, बिकॉज मुझे थोड़ा सिंपल जो नेक है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज ज़्यादा वर्क रहता है ना तो उतना मज़ा नहीं आता। सिल्क की साड़ी होती है ना उसमें थोड़ा सिंपल और एथनिक टाइप का जो लुक आता है ना उसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट ब्लाउज जो है वो मेरा ये वाला है एंड ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आपके पास कोई पुराना ब्लाउज हो और आप उसे नया लुक देना चाहते हो तो आप इस तरीके का ब्लाउज सिलवा सकते हैं, बिकॉज ये जो ब्लाउज है वो नीचे से इसमें फ्रिल दी हुई है आप देख सकते हैं। और अगर आपको आपके पास कोई भी पुराना ब्लाउज हो तो आप क्या है मार्केट से जो है वो फैब्रिक लाकर और नीचे जो है ना इस तरीके से फ्रिल लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई ऐसा वीडियो बना दूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपके लिए वैसा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए ये प्रिंटेड ब्लाउज़ है और इसमें मैं जो है मैंने प्लेन नेक लिया है और यहाँ नीचे साइड में जो है पूरा नेट लगा दिया है, तो जिसकी वजह से जो है ना लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। और बैक साइड में अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर इस तरीके से जो डिज़ाइन दी हुई है, तो आगे से यहाँ पर जो है केवल इतनी साइड में जो है हुक लगे हुए हैं और आप इसे ईज़िली पहन सकते हैं। साइड में आप ज़िप लगा सकते हैं लेकिन मैंने जो है यहाँ फ्रंट में ही जो है हुक लगाए हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने किसी पुराने ब्लाउज़ को नया अगर लुक देना चाहते हैं तो आप भी डेफिनेटली इस तरीके का ब्लाउज़ जो है वो बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और आजकल जो है फ्रिल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप डेफिनेटली जैसे मैंने ग्रीन वाले ब्लाउज़ भी बनाया उस तरीके से फ्रिल लगा सकते हैं या इस तरीके से। और कई लोग जो हैं इसको पेपलम टॉप जो है उस टाइप से जो है वो पहन सकते हैं। कई लोगों का अगर जो टमी एरिया ज़्यादा है तो भी इस तरीके के जो ब्लाउज़ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो आपके पूरे टमी एरिया को जो है ना वो हाइड कर देते हैं। तो यस डेफिनेटली आप इस तरीके का ब्लाउज़ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लाउज़ जो है वो मेरा ये वाला है वाइट कलर का। और अगर आप इस तरीके के रेडीमेड ब्लाउज़ लेते हैं तो उसमें ना एक्चुअली फिटिंग नहीं आती है, तो इसकी वजह से जो है मैंने फैब्रिक लिया है और अलग से बनवाया है। इस तरीके के जो वाइट कलर के ब्लाउज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द आपकी जो साड़ी है उन पर चल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। और अगर मैं इसमें बैक साइड में बात करूं तो बैक साइड में इस तरीके से यू जो है वो नेक दिया हुआ है और यहाँ पर जो है हुक दिए हुए हैं। साइड में हुक लगाना बहुत ही इजी होता है, पहनने में भी इजी रहता है और अगर आपको फिटिंग करनी होती है ना तो साइड से इजीली फिटिंग भी हो जाती है। और ये जो फैब्रिक है ना क्योंकि मैंने स्लीवलेस बनाया था तो इसमें जो है काफ़ी मतलब अर्ज होता है, मतलब लंबाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो है वो आधे मीटर में या 70 मीटर में जो है वो आराम से बन गया था ये ब्लाउज स्लीवलेस जो है वो ब्लाउज। तो डेफिनेटली जो है आप इस तरीके का आपके पास एक ब्लाउज होना चाहिए वाइट कलर का जो हर तरीके की साड़ी के साथ बहुत ही इजी तरीके से जा सकता है। तो ये था मेरा ब्लाउज कलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप और भी मेरे ब्लाउजेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली अपने और बहुत सारे ब्लाउज हैं उनकी डिज़ाइन जो हैं वो शेयर करूँगी। मेरे ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, थोड़ी नौटंकी शोटंकी भी मतलब वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ, तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।